हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन फायर रेड वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 40 में। तो मैं अभी करेंटली हूँ सैफ्रन सिटी के पोकेमोन सेंटर में। तो लास्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ मैं तुम्हें रिकैप दे देता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में मैं था रूट 17 में, मैं साइकिलिंग रूट से होते हुए सैफ्रन सिटी आ रहा था। तो अभी लास्ट एपिसोड में मैं सैफ्रन सिटी आ गया था एंड यहाँ आके अपना गेम को सेव किया था। तो यहाँ से अपना जर्नी कंटिन्यू हुआ। तो इस एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मैं इस एपिसोड में चैलेंज करने वाला हूँ सैफ्रन सिटी के जिम लीडर सबरीना को। तो चलो ब्रो चैलेंज करने चलते हैं उसे। अबे यार, इस शहर में टीम रॉकेट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा टीम रॉकेट क्या कर रहे हैं। विथ स्लीप अंडर कंट्रोल वी कैन एक्सप्लॉइट पोकेमोन अराउंड द वर्ल्ड। भाई स्लीप, ये स्लीप वही स्लीप स्कोप के कंपनी के बारे में बात कर रहा है ये। भाई स्लीप को इसने कंट्रोल करके रखा है क्या टीम रॉकेट्स ने। वेल गेट स्टीकिंग रिच या भाई, क्या बोल रहा है ये बंदा। और भी टीम रॉकेट मेंबर हैं। एक काम करता हूँ मैं, पोकेमोन सेंटर जाके इन्फॉर्मेशन लेता हूँ भाई, क्या चल क्या रहा है इधर। सबसे पहले मैं जिम चलता हूँ, उसके बाद देखता हूँ भाई, जिम बैच कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या चल रहा है सैफ्रन सिटी में। तो जिम शायद इधर होगा। इधर भी टीम रॉकेट, भाई बहुत सारे टीम रॉकेट कर क्या रहे हैं इधर सैफ्रन सिटी में। ओके ब्रो, ये जिम मिल गया मुझे। अच्छा ये फाइटिंग डोजो है, ये वाला फाइटिंग डोजो है एंड ये जिम है। लेकिन इसके सामने तो टीम रॉकेट का मेंबर खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है। डोंट गेट डिफाइंड और आई विल हैव टू हर्ट यू। भाई ये मुझे हर्ट करने का धमकी दे रहा है, साले को दूँ क्या मैं। अगर मैं बैटल करता तो इसे बताता ब्रो। तो मुझे लगता है टीम रॉकेट ने इस सैफ्रन सिटी के ऊपर कब्जा करके रखा है। तो मुझे देखना होगा भाई, क्या कुछ करना होगा, कैसे मैं इनको भगा सकता हूँ। व्हाट डू यू वांट, गेट लॉस्ट। भाई ये भी अपना मुंह दिखा रहा है मुझे, मतलब अकड़ दिखा रहा है भाई, गेट लॉस्ट बोल रहा है साला। बॉस सेड ही विल टेक दिस टाउन इन द नेम ऑफ टीम रॉकेट। भाई सच में टीम रॉकेट का बॉस जियोवानी भी है, एक बार मिल जाए जियोवानी उसको दोबारा याद दिला दूंगा अपना बैटल। सैफ्रन बिलोंग टू टीम रॉकेट। भाई ये सारे बोल रहे हैं कि सैफ्रन सिटी टीम रॉकेट का है। मैं पोकेमोन सेंटर जाके क्या बोलते हैं भाई, इंफॉर्मेशन लेता हूँ। ये ओल्ड लेडी शायद बता सके मुझे। पोकेमोन ग्रोथ रेट डिफायर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ये नहीं जानना था मुझे, ये तो मुझे पता है। मुझे जानना था कि ये टीम रॉकेट सैफ्रन सिटी में कर क्या कर रहे हैं। वो बंदा तो बोल रहा है कि स्लीप को कंट्रोल करके रखा है। से विल दिस बी ए ग्रेट इफ द इलाइट फोर कम एंड स्टॉप स्टम्प टीम रॉकेट। भाई इलाइट फोर, मुझे नहीं लगता कि इलाइट फोर आएंगे इधर। स्लीप को इज़ ए वाइडली नोन टू ऑल, इट्स ए विक्टिम ऑफ इट्स ओन फेम, इट अट्रैक्ट टीम रॉकेट। अच्छा स्लिप कंपनी के बारे में ये बात कर रहा है, या ओल्ड मैन क्या बोल रहा था। स्लिप को इज़ वाइडली नोन टू ऑल, इट्स ए विक्टिम ऑफ इट्स ओन फेम, इट अट्रैक्टेड टीम रॉकेट। भाई टीम रॉकेट ने स्लिप को कंपनी में है शायद, जियोवानी बता सकता है किधर है, मैं ढूंढता हूँ। ये साइकिक का हाउस है, उसे मिस्टर साइकिक। मैं पहले स्लिप कंपनी ढूंढता हूँ किधर है। ओ ये है शायद, आई थिंक स्नोर। हा ही इज टेकिंग ए स्नीज, ये स्नीज रह रहा है, ये नहीं देखना है मुझे। ओ माई लाइफ एज अ क्रिमिनल मेक्स मी फील सो लाइव। साले साइकोपैथ है क्या तू। स्लिप कंपनी ऑफिस बिल्डिंग, तो ये स्लिप कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग है शायद इधर ही। वो टीम रॉकेट का मेंबर तो बोल रहा था कि बॉस, मतलब टीम रॉकेट ने कंट्रोल करके रखा है स्लिप को के कंपनी को। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, तो शायद मुझे इधर टीम रॉकेट का बॉस मिल जाएगा। उसे हराने के बाद आई थिंक वो भाग जाएगा इधर। तो इधर लिफ्ट है, मैं एक काम करता हूँ भाई, इससे टीम रॉकेट से फाइट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ पोकेमोन सेंटर से। ठीक है, पोकेमोन सेंटर से नहीं, पोकेमोन मार्ट से। मैंने पास में ही देखा था मार्ट, इधर ही देखा था मैंने कहीं, ये रहा पोकेमोन मार्ट। तो कुछ चीज़ें ले लेता हूँ मैं, बाय कर लेता हूँ, जैसे सुपर पोशन हाइपर पोशन। ओके तो बाय करते हैं हाइपर पोशन।
बहुत महंगा है हाइपर पोशन, लेकिन मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं 20 हाइपर पोशन ले रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड रिवाइव 4, और कुछ नहीं चाहिए अभी, मैं बाद में आऊँगा शॉपिंग करने। अभी मैं स्लिप को के बिल्डिंग में जाता हूँ भाई, एंड टीम रॉकेट को बताता हूँ कि असली बॉस कौन है। तो मैं एलिवेटर से सबसे ऊपर वाले फ्लोर में चलता हूँ इस स्लिप कंपनी को छुड़ाने के लिए भाई, टीम रॉकेट के बॉस को ढूंढने के लिए। तो इधर टोटल 11th फ्लोर है, तो मैं 11th फ्लोर में जा रहा हूँ। एंड भाई ढूंढते हैं टीम रॉकेट के बॉस को। एक टीम रॉकेट का मेंबर मिल गया, वो बंदा कौन है जो उस रूम में है? हाल्ट, डू यू हैव ए अपॉइंटमेंट विथ माई बॉस? नहीं भाई, अपॉइंटमेंट नहीं है मेरा पास, एंड मैं तेरे बॉस से मिलने के लिए मुझे कोई अपॉइंटमेंट चाहिए भी नहीं। तो टीम रॉकेट ग्रंट के पास से 5 पोकेमोन सबसे पहले ये यूज़ करेगा, रैडाटा जिसका लेवल 25 है। तो पीकाचू थंडरबोल्ट से इसे आराम से हरा सकता है। मैं डटिनी को ज़्यादा ट्रेन करूँगा इधर, तो 304 एक्सपीरियंस मिला। नेक्स्ट पोकेमोन है रैडाटा, तो भाई डटिनी तो इसे हरा सकता है रैडाटा को। पहले तुझे इसके हाइपर फैंग अटैक से तुझे बचना होगा। तो भाई रैडाटा ने यूज़ किया क्विक अटैक, और ब्रो देखो डैमेज देखो कितना दिया है डटिनी को। एंड डटिनी ने थंडर वेब से रैडाटा को पैरालाइज कर दिया। अब मैं ड्रैगन रेज यूज़ करता हूँ रैडाटा के ऊपर। एंड ब्रो ड्रैगन रेज बहुत डैमेज तो दिया भाई, लेकिन रैडाटा ने हाइपर फैंग यूज़ किया एंड डटिनी को फेंडेड कर दिया। मुझे पता था कि भाई अगर इसका हाइपर फैंग पड़ गया रैडाटा का, तो अपना डटिनी बच नहीं पाएगा। तो आ जा भाई पीकाचू, डटिनी का बदला ले। एक और थंडर बोल यूज़ किया मैंने, मतलब एक और क्या भाई, पहला थंडर बोल यूज़ किया रैडाटा के ऊपर, एंड 304 एक्सपीरियंस मिला। तो नेक्स्ट पोकेमोन है जूबैट, तो जूबैट को अपना स्नोलैक्स हराएगा। तो सर्फ अटैक यूज़ कर स्नोलैक्स एंड इस जूबैट को फेंडेड कर। 25 लेवल का है इसका जूबैट भाई। इस टीम रॉकेट के मेंबर के पास 5 पोकेमोन है, एक और पोकेमोन होता तो 6th हो जाता। तो मैंने अभी इसके तीन पोकेमोन को हराया है। ये स्लिप टॉक अटैक क्या है? अच्छा, बट इट फेल हो गया अपना स्नोलैक्स का अटैक। तो स्लिप टॉक बार बार फेल दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एक्यूरेसी की वजह से। भाई इसने ग्लेयर यूज़ करके स्नोलैक्स को पैरालाइज कर दिया, एंड पॉइजन स्टिंग यूज़ कर रहा है। तो स्नोलैक्स यूज़ कर सर्फ अटैक। एंड ब्रो थोड़ा सा एचपी बच चुका है इस एकेंस का, तो एक स्ट्रेंथ यूज़ करता हूँ मैं एकेंस के ऊपर, एंड फेंडेड करता हूँ ब्रो। एंड ब्रो एकेंस हो चुका है फेंडेड, 331 एक्सपीरियंस मिला। एंड नेक्स्ट लास्ट पोकेमोन है रैडाटा भाई। इसके पास 3 रैडाटा था भाई। ब्रो ये 3 रैडाटा का करता क्या भाई? इसको कोई और दूसरा पोकेमोन नहीं मिला, सेम पोकेमोन क्यों रखते हैं, आई डोंट नो ब्रो। तो रैडाटा को हरा दिया, 304 एक्सपीरियंस मिला। डिमोलिश तो मैं करूँगा तुम लोगों को इधर से। वॉच योर स्टेप, माई बॉस लाइक हिज पोकेमोन टफ। ओके, तेरे बॉस को मैं हराऊंगा ब्रो। इधर मुझे एक आइटम मिला जिंक, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? ये जिंक से क्या होगा देखना पड़ेगा। जिंक 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 जिंक, व्हाट इज दैट ब्रो? न्यूट्रिएंट्स ड्रिंक फॉर, अच्छा स्पीड एंड स्पेशल, या आई थिंक स्पीड एंड डिफेंस बढ़ाता है। तो मैं सिखाऊंगा पिचियॉट या डटिनी को देता हूँ भाई। तो डटिनी को जिंक्स दे दिया, स्पीड एंड डिफेंस इसका बढ़ गया है। रिवाइव करता हूँ डटिनी को एंड फर्स्ट में रखता हूँ उसे। तो भाई हाइपर पोशन, ओके मुझे बचा के रखना होगा हाइपर पोशन ब्रो। बहुत ये क्या बोलूँ ब्रो, ये स्लिप को कंपनी जो बिल्डिंग है ना, स्लिप को का बिल्डिंग भाई बहुत बड़ा है, 11th फ्लोर है। तो इस टीम रॉकेट के मेंबर को हरा दिया मैंने। अब नीचे चलते हैं, नीचे रूम में, इस वाले रूम में मैं कैसे जाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। तो ब्रो 10th फ्लोर में आ चुका हूँ मैं। ये कौन है? ये मुझे साइंटिस्ट क्यों दिख रहा है? इनफ फॉर योर सिली गेम्स भाई, मैं कोई सिली गेम नहीं करता, ये टीम रॉकेट करते हैं, ट्रिक्स यूज़ करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। तो साइंटिस्ट ट्रेविस के पास मैग्नमाइट है, तो डटिनी भाई तू नहीं हरा सकता इस मैग्नमाइट को। इसको हराएगा अपना
चार्जार्ड, वो भी उसके फ्लेम थ्रोअर अटैक से। तो स्पार्क यूज़ किया मैग्नमाइट ने, एंड ब्रो देखो चार्जार्ड को डैमेज देखो कितना दिया है। तो मैं फ्लेम थ्रोअर से इस मैग्नमाइट को फेंडेड करता हूँ एंड दिखाता हूँ कि असली बॉस कौन है इधर का। तो ब्रो मैग्नमाइट हो गया फेंडेड, डैटिनी को 276 एक्सपीरियंस मिला एंड चार्जार्ड को, एंड अपना चार्जार्ड अब 41 लेवल का हो चुका है ब्रो। एंड ट्रैविस अब यूज़ करने वाला है कॉफिंग को, तो एक और फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता हूँ मैं कॉफिंग के ऊपर, एंड ब्रो फेंडेड करता हूँ कॉफिंग को, एंड अपना चार्जार्ड को 708 एक्सपीरियंस मिला। साइंटिस्ट ट्रैविस तू तो डिफीट हो गया भाई, कुछ नहीं कर पाया तू, साइंटिस्ट होकर भी डिफीट नहीं कर पाया मुझे। नो कंटिन्यूस लेफ्ट कॉन्टिनेंस लेफ्ट, आर यू सैटिस्फाइड विथ बीटिंग मी? नहीं नहीं आई एम नॉट सैटिस्फाइड, देन गो ऑन होम। घर में अभी नहीं जाऊंगा भाई, जब चैम्पियन बन जाऊंगा मैं तब जाऊंगा घर। अभी तो मैं टीम रॉकेट के मेंबर्स को पेलूंगा एंड तुम्हारे बॉस को भी। भाई इधर एक क्या बोलूँ, डोर लॉक है, इधर मैं जा नहीं सकता। इसके लिए मुझे की चाहिए एक कार्ड की, किधर मिलेगा आई डोंट नो ब्रो। इधर एक इधर क्या है, ये टेलीपोर्टर है भाई, ये टेलीपोर्ट करके मुझे फोर्थ फ्लोर में ले आया है। ऊपर चलता हूँ मैं, मुझे सबसे पहले कार्ड की ढूंढना पड़ेगा। कार्ड की किधर मिलेगा मुझे आई डोंट नो ब्रो, इधर मिल सकता है शायद। वेलकम टू 10th फ्लोर, सो गुड ऑफ यू टू जॉइन मी। भाई मैं तुझे ज्वाइन नहीं करने वाला, मैंने पहले भी एक बंदा मुझे बोल रहा था कि ज्वाइन कर ले भाई टीम रॉकेट, मैंने उससे साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता ये सब काम, एंड वो मुझे धमकी दे रहा था साले को ऐसा। मैंने पहला और उसके बाद वो उधर से भाग गया। तो इसके पास माचौक था तो मैं फ्लाई अटैक यूज़ करता हूँ। माचौक ने एक अटैक किया एंड पिजॉट को थोड़ा सा डैमेज मिला, 20 HP रिड्यूस हुआ अपना पिजॉट का। तो पिजॉट का फ्लाई अटैक से माचौक हो चुका है फेंडेड, एंड ब्रो डैटिनी को 516 एक्सपीरियंस मिला एंड पिजॉट को भी। ब्रो इस टीम रॉकेट के मेंबर को हमने हरा दिया, आई एम स्टंटेड, ये सभी बोलते हैं ब्रो जब मुझसे हार जाते हैं। पहले आकर दिखाते हैं, उसके बाद जब हार जाते हैं तो सब नाइस बन जाते हैं मेरे साथ। नाइस ट्राई बट दी बोर्ड रूम इज़ अप ऑन मोर फ्लोर, मुझे पता है ब्रो, बताने की ज़रूरत नहीं तुझे, वैसे तूने बता दिया तो ठीक है। इधर आइटम क्या है भाई, तो इधर मुझे कार्बोस मिला, एंड ये क्या है रेयर कैंडी, ओ भाई रेयर कैंडी तो मैं डर्टिनी को देने वाला हूँ, एंड एक अल्ट्रा बॉल। ओके तो दे देता हूँ कार्बोस, कार्बोस से मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। अपना पीकेजू का तो स्पीड फर्स्ट ही है, तो चार्जार्ड का भी फर्स्ट कर देता हूँ, तो अपना चार्जार्ड भी फर्स्ट हो चुका है। एंड रेयर कैंडी यूज़ करता हूँ मैं डर्टिनी के ऊपर एंड इसका लेवल अप करता हूँ, तो अब डर्टिनी का लेवल 23 हो चुका है। तो भाई इधर और कोई रूम वूम नहीं है, रूम तो है लेकिन अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कार्ड की नहीं है, तो मुझे जल्दी से कार्ड की ढूंढना पड़ेगा। वैसे कार्ड की मिलेगा किधर, 9th फ्लोर में आ गया, कार्ड की मिल जाए बस अपना काम हो जाएगा। इधर एक साइंटिस्ट है, योर पोकेमॉन हैव वीक पॉइंट आई कैन नेल देम, इससे लगता है ये मेरे पोकेमॉन को हरा सकता है। भाई ट्राई करके देख ले, तू नहीं हरा सकता। साइंटिस्ट एड, एड के पास वॉल्ट्रॉप है, तो वॉल्ट्रॉप के लिए तू डर्टिनी तू बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वॉल्ट्रॉप को हराएगा अपना चार्जार्ड, आ जा भाई चार्जार्ड, डिग अटैक यूज़ कर एंड इस वॉल्ट्रॉप को फेंटेड कर। डिग अटैक बहुत ही इफेक्ट करेगा वॉल्ट्रॉप के ऊपर क्योंकि वो ग्राउंड टाइप अटैक है। डिग अटैक स्क्रैच यूज़ कर रहा था वॉल्ट्रॉप लेकिन उसका अटैक मिस हो गया। इस वॉल्ट्रॉप का लेवल 28 था ब्रो, एंड वॉल्ट्रॉप हो चुका है फेंटेड, 309 एक्सपीरियंस मिला डर्टिनी एंड चार्जार्ड को। एंड नेक्स्ट पोकेमोन है मैग्नेटोन, तो मैग्नेटोन के ऊपर फ्लेम थ्रोर यूज़ करता हूँ क्योंकि फ्लेम थ्रोर बहुत ही इफेक्ट करेगा एंड सुपर इफेक्ट करेगा, एंड ब्रो इट्स सुपर इफेक्टिव एंड मैग्नेटोन फेंडेड हो गया, 966 एक्सपीरियंस मिला चार्जार्ड को। एंड नेक्स्ट पोकेमोन है कॉफिंग, इस कॉफिंग का लेवल 28 है, तो इसके ऊपर भी फ्लेम थ्रोर यूज़ करता हूँ मैं एंड इसे भी फेंडेड करता हूँ ब्रो, ये कॉफिंग भी नहीं टिक पाएगा मेरे सामने, एंड फेंडेड हो गया, 684 एक्सपीरियंस मिला चार्जार्ड को। साइंटिस्ट सेड तू तो बहुत ही बेकार आ रहा, एंड तू कुछ बोल रहा था मेरे पोकेमोन को नेल करेगा वो करेगा, क्या किया तूने, कुछ नहीं कर पाया एंड कुछ कर भी नहीं पाएगा।
यू हार्म्ड मी भाई, मैंने बोला था तुझे बैटल करने मेरे से साले। एक्सप्लोडिंग वीक स्पॉट डज वर्क, थिंक अबाउट टाइप एडवांटेज। या ब्रो, टाइप एडवांटेज काम आता है बहुत। ये टेलीपोर्टर किधर ले जाएगा मुझे ब्रो? 5th फ्लोर में ले आया है। आई हैड ए किड वॉज वंडरिंग अराउंड। हाँ, वो किड मैं ही हूँ। तो किसने बताया तुझे कि मैं इधर आया हूँ ब्रो? तू मुझसे मिला है क्या कभी? ये नहीं बताएगा। इसके पास एक आर वॉक है भाई, डर्टिनी थू नहीं हरा सकता इस आर वॉक को। तो चार्जार्ड आ जा भाई। पॉइजन स्टिंग यूज़ किया इसने चार्जार्ड के ऊपर एंड चार्जार्ड को पॉइजनस कर दिया। ब्रो तूने चार्जार्ड को पॉइजनस किया, अब चार्जार्ड बदला लेगा डिग अटैक यूज़ करके। मैं तो फ्लेम थ्रोर यूज़ करना चाहता था लेकिन डिग अटैक में बटन दब गया। तो फिर देखते हैं भाई डिग अटैक कितना डैमेज देता है आरबॉक के ऊपर। एंड ब्रो डिग अटैक लगा आरबॉक को। एंड ब्रो जितना मैंने सोचा था ये तो सुपर इफेक्टिव है लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है। तो मैं फ्लेम थ्रोर यूज़ कर लेता हूँ आरबॉक के ऊपर। एंड आरबॉक हो चुका है फ्रेंडेड। 519 एक्सपीरियंस मिला चार्जार्ड एंड डर्टिनी को। बूम भाई, बूम करा दिया तेरे पोकेमोन को। इट्स नॉट स्मार्ट टू पिक ए फाइट विथ टीम रॉकेट। ये तो मेरा आदत है ब्रो। हाँ, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुझे। मुझे टीम रॉकेट से बैटल करना मतलब फाइट लेना तो आदत है मेरा। तो ब्रो हाइपर पोशन देता हूँ मैं अपने 4000 को, क्योंकि देख सकते हो तुम उसका HP 17 HP बचा था उसका। तो हाइपर पोशन से मैंने फुल कर दिया है। एंड ब्रो इधर कुछ है क्या? इधर एक आइटम है, देख ही लेता हूँ इस आइटम में। ब्रो मुझे इधर कार्ड की मिल गया मैन, यही तो चाहिए था मुझे। तो मैं एलिवेटर से जाता हूँ सबसे 11th फ्लोर में, क्योंकि उधर 2 रूम बाकी था भाई एक्सप्लोर करना, देखना क्या था उन रूम्स में। तो कार्ड की मिल चुका है मुझे, अब मैं जा सकता हूँ भाई। नहीं भाई, 11th फ्लोर में तो कोई लॉक रूम नहीं है, नीचे वाले फ्लोर में होगा, 10th फ्लोर में। या आई रिमेंबर नाउ, इस वाले फ्लोर में। बिंगो, ओपन कर दिया मैंने। इधर तो टेलीपोर्टर है, ये किधर जाता है ब्रो? इधर एक साइंटिस्ट के पास ले आया है मुझे। माय पोकेमोन इज़ लॉयल सर्वेंट। भाई पोकेमोन सर्वेंट नहीं है, फ्रेंड्स हैं हमारे। तो ये समझता है कि पोकेमोन सर्वेंट होते हैं, लेकिन इसे मैं बताना चाहता हूँ कि पोकेमोन सर्वेंट नहीं, फ्रेंड्स होते हैं हमारा। तो भाई इसको बताता हूँ मैं, इसके इलेक्ट्रोड को। तो चार्जार्ड यूज़ कर डिग अटैक। इलेक्ट्रोड स्पार्क यूज़ कर रहा था लेकिन उसका अटैक मिस हो गया, एंड मिस होगा ही क्योंकि अपना 4000 तो पावरफुल है। मैंने जितना सोचा था उससे कम ही HP रिड्यूस हुआ इसका। मुझे लगा कि डिग अटैक से फेंडेड हो जाएगा लेकिन फेंडेड नहीं हुआ। तो मुझे फ्लेम थ्रोड यूज़ करना पड़ा इलेक्ट्रोड के ऊपर। 529 एक्सपीरियंस मिला डर्टिनी एंड 4000 को। रॉन्डी को हमने हरा के बता दिया कि भाई पोकेमोन कोई सर्वर नहीं है, वो हमारे फ्रेंड्स है। ड्रैन यू वीक पोकेमोन, देखो अब ये खुद अपने स्किल से जीत नहीं पाया तो पोकेमोन को ब्लेम कर रहा है। द डोर आर इलेक्ट्रिक नो सॉरी ब्रो, द डोर आर इलेक्ट्रॉनिकली लॉकेड। इट्स टेक ए कार्ड टू ओपन द डोर हियर। हाँ मेरे पास है ब्रो, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये टेलीपोर्टर किधर ले जाएगा मुझे, मुझे देखना है। तो ये 6th फ्लोर में ले आया। वैसे मैं 6th फ्लोर आऊँगा ही तो क्या फ़ायदा मेरा। इधर भाई मैं इधर इस फ्लोर में आऊँगा तो इधर आगे कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर मैं 1st फ्लोर से स्टार्ट करूँ। टीम रॉकेट हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ स्लिप को। अच्छा, ज़्यादातर तक कंट्रोल करके रख नहीं पाओगे तुम लोग क्योंकि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तो डर्टिनी शायद इस मैचअप को हरा सकता है। तो मैं ड्रैगन रेज यूज़ करके देखता हूँ। तो डर्टिनी यूज़ कर ड्रैगन रेज इस मैचअप के ऊपर। एंड ब्रो ड्रैगन रेज तो डैमेज तो दिया लेकिन इसने रिवेंज यूज़ किया, अपना डर्टिनी फेंडेड हो जाएगा क्योंकि रिवेंज डबल डैमेज देगा भाई। रिवेंज से इसने फेंडेड कर दिया। तो मैं इस डर्टिनी का बदला लेना चाहता हूँ। तो 4000 ने भाई पिकाचू आ जा बदला लेने। तो थंडर बोल यूज़ कर इस मैचअप के ऊपर एंड इसे फेंडेड कर। 546 एक्सपीरियंस मिला। अब इसका नेक्स्ट पोकेमोन ड्राउजी है जिसका लेवल 29 है। तो मैं थंडर बोल यूज़ करता हूँ ब्रो। भाई
थंडरबोल्ट से ड्राउज फेंडर नहीं हुआ, डिक अटैक, एक और थंडरबोल्ट यूज़ करना पड़ेगा तब जाके फेंडर होगा। मेगा किक यूज़ करना चाहिए था, वन वन अटैक से ही फेंडर हो जाता। लेकिन ब्रो दो बार थंडरबोल्ट यूज़ करने से भी ये फेंडर नहीं हुआ, थोड़ा सा एचपी बच चुका है, वन एचपी। तो लास्ट थंडरबोल्ट यूज़ करता हूँ एंड इस ड्राउजी को फेंडेड करता हूँ ब्रो। इसको हराने के बाद एक्सपीरियंस कितना मिलेगा, एक्सपीरियंस पॉइंट ये देखना है मुझे। तो भाई 633 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला, इतना भी ज़्यादा नहीं। माई बॉस हैज़ बिन आफ्टर दिस प्लेस। भाई तेरे बॉस को ही मैं तोड़ूंगा, रुकना तू। किधर था मैं? नहीं भाई मैं वापस चल जाता हूँ फ्लोर 10 में, ऐसे ही मैं एक्सप्लोर करूँगा वन फ्लोर करके करके। तो ठीक है, 10th फ्लोर को तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, नीचे चलते हैं 9th फ्लोर में जाके देखते हैं। भाई इधर कुछ है क्या? इस साइंटिस्ट से तो मैंने बैटल किया, अब मैं इधर से भी जा सकता हूँ। तो ओपन करता हूँ इस डोर को एंड देखता हूँ। भाई इधर कोई नहीं है, कोई नहीं है इधर। तो ब्रो इधर जाके देखता हूँ, इधर एक टीम रॉकेट का मेंबर है, आई एम वन ऑफ द फोर रॉकेट ब्रदर। तो ये रॉकेट ब्रदर में से एक है। ये रॉकेट ब्रदर क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, ये इस बंदे ने बोला एंड मुझे अभी पता चला। तो इसके पास गोल बैट है ब्रो। गोल बैट के ऊपर फ्लाई अटैक यूज़ कर एंड इसे फेंडेड कर। गोल बैट हो चुका है फेंडेड, 1026 एक्सपीरियंस मिला पिजॉट को एंड पिजॉट अपना 47 लेवल का हो चुका है। भाई पिजॉट को मैंने ट्रेन कितना ज़्यादा खेल लिया ना। तो भाई स्नोलैक्स आ जा भाई इस ड्राउजी को हराने के लिए। भाई मैंने रेस्ट अटैक को हरा दिया, मतलब हटा दिया, फॉरगेट करा दिया था नेक्स्ट लास्ट एपिसोड में, मुझे रखना चाहिए था, एक हैंडी अटैक था वो। एक मिनट, मेरे पास एक एचएम है, जब मैं इलाइट फोर से बैटल करूँगा तब मैं यूज़ करूँगा। 612 एक्सपीरियंस मिला एंड अब ये बंदा यूज़ करने वाला है रॉकेट ब्रदर में से एक ब्रदर हिप्नो को। तो हिप्नो के ऊपर स्ट्रेंथ यूज़ करता हूँ एंड ब्रो हिप्नो हो चुका है फेंडेड एंड अपना स्नोलैक्स को 919 एक्सपीरियंस मिला। भाई डिफीट कर दिया इसको। वाह ब्रदर, ब्रदर्स आई लॉस्ट। भाई तेरे ब्रदर सुन कैसे पाएंगे तुझे एंड तू बोल किसे रहा है? माई ब्रदर विल अवेंज मी। ठीक है भाई देख लेंगे, तेरे ब्रदर को अवेंज करेगा तेरे को। ये कौन है भाई? व्हाट, ये तो मुझे विलेन नहीं दिख रही। यू लुक टायर्ड, यू शुड टेक ए क्विक नैप। भाई ये मेरे को हील करके दे दिया है मेरे सारे पोकेमोन को, तो मतलब ये मुझे इधर अगर मेरे मैं इधर आके पोकेमोन को हील कर सकता हूँ। तो ब्रो 23 मिनट हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर मैं गेम को सेव कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं करूँगा स्लिप को पूरा एक्सप्लोर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सायोनारा एंड।